करनाल के गोंडा नेशनल हाईवे पर एक कार चालक ने रोड क्रॉस करते समय महिला को टक्कर मार दी, जिसकी इलाज के दौरान देर रात मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार गोंडा की अशोक कॉलोनी निवासी संतोष अपने बेटे विनोद के साथ रविवार देर शाम करीब 8 बजे सामान खरीदने के लिए बाजार आए हुए थे। बाजार से सामान लेने के बाद जब वह अपने घर की तरफ जा रहे थे तो हाईवे पर महिला को गाड़ी चालक ने टक्कर मार दी, जहां पर उसकी मौके पर मौत हो गई। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। कल एक्सीडेंट हुआ था गोंडा में PW रेस्ट हाउस के सामने। कहां से कहां जा रहे हैं सर? ये लेडीज है जो संतोष नाम था इसका, ये अपने घर के लिए पीट रोड क्रॉस कर रही थी, कार ऑडी ने इसको टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक्सीडेंट में लगी चोट होकर इसकी मौत हो गई। मौके पे मौत होगी सर? सर यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद ही क्लियर हुई। तो क्या कुछ कार्रवाई की गई जी? सर पर्चा दर्ज कर दिया है कार के खिलाफ, चालक के खिलाफ, और मृतिका का पोस्टमार्टम करा रहे हैं।